terlalu keluarga kau. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुशाहिद खान और इस वक्त हम एक घर में हैं जो दिल्ली इलाके में है, फैजान के घर में है। और आपने एक वीडियो देखी होगी, एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कुछ पुलिस वाले 3-4 लड़के को मार रहे थे और उनसे बोल रहे थे कि गाओ राष्ट्रीय गान गाओ, और वो राष्ट्रीय गान गा रहे थे, जन गण मन गा रहे थे। उसी दौरान 3 दिन के बाद फैजान की मौत हो जाती है और उसी गमगीन घर में अब हम हैं। फैजान की माँ हमारे साथ में है और उनकी माँ बता रही है कि फैजान एक बहुत मेहनती बच्चा था, वही पूरे घर का खर्चा चलाता था। और भी इनके बेटे हैं, वो सब बेटे अपने अपने घर के हैं, सबकी शादी हो चुकी है। फैजान, किस दिन की घटना है ये? 24 तारीख शाम को ना मंडी बाजार, वहाँ से मंडी से आया, आके हाथ में धोया, लगा मम्मी कहाँ, मैं वहीं औरतें बैठती थी ना, बोलते हैं वहीं में गई थी। हाँ, वहाँ पे गई और वहाँ पे एकदम भीड़ आई, एकदम आंसू गए डाल दिया औरतों की तरफ, भगदड़ मच गई, आदमियों को मारने दौड़ने लगे। 24 को पकड़ा तो 25 को छोड़ा रात को। इंतकाल कब हुआ? 26 तारीख। तो जब आप अपने बच्चे को लेके आए फैजान को, लेके आई, हाँ, तो फिर आप अस्पताल लेके गए इसको? फिर हाँ, तो फिर वह 11 बजे उन्होंने बुलाया, जाते जाते 12 बजे, आते आते 1 बज गया रात को। बच्चे की जब बच्चे की बुरी हालत था, बच्चे से ना चला जा रहा और लंबी लंबी सांसें रहा, पूरे जिस्म सूज गया, बदन में इसका दर्द इतना था। जब यहाँ घर पे लेके आई, उस कपड़े भी ऐसे भी गंदा नहीं हो रहा था उसका, कई जैसे कपड़े काटे, पजामा भी पिंक पैसा थी, बच्चे का जिस्म बिल्कुल काला सूज रहा, सारी टांगे वांगे सब। फिर अम्मी मैं भी नहीं बचूंगा। फैजान क्या करता था? फैजान में कहते ना, मुर्गे का गोश्त में जाता था मंडी में, आज गाजीपुर मंडी में, वहाँ से 500-800-1000 का वहाँ पर लाता था, कुछ वो खा लेता था, उसका किराया बड़ा लगाता था, जब भी हमें 400 कभी 300 कभी 500 देता था, रोजाना रोजाना के काम आई थी। मतलब आप फैजान के पास ही रहती थी आप? हाँ, यही दो बच्चे सोते तो फैजान यहाँ सोता था। बच्चा तड़प तड़प के मर के गया, उसकी इतनी तड़प थी, उसकी बहुत ही दर्द था। देखिए, फैजान तो इस दुनिया से चला गया, आप हिम्मत से काम लें इंशाल्लाह। नहीं, मत एक दिन लग रहा, दिल कोई नोच के ले जाता है मेरा, मेरा आदमी मर गया, मुझे इतना अफसोस नहीं हुआ जितना मेरे बच्चे का। बहुत गरीबी में पाला मैंने, पैंटे काट काट के। अरे मैं पंडित जी, फैजान का कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, ठीक है ना? आपका सबसे छोटा बेटा था वो, ये छोटा सा चेक है, ये मैं ये आपको दे रहा हूँ, ये आप अपने अकाउंट में डाल दीजिएगा। तो अभी ये है आपका चेक, आप रखिएगा अपने पास में, और इंशाल्लाह हमसे जो मदद होगी हम और करेंगे। यही मैं हमेशा अभी भी अपनी वीडियो में कह रहा हूँ कि जो ये दर्द है, अभी तो सब लोग आ रहे हैं बांटने के लिए, लेकिन अब से 1 साल के बाद 2 साल के बाद कोई भी नहीं आएगा, कौन आएगा? एक फिर कमी महसूस होगी फैजान की, जब वो आता था अपने घर के अंदर तो अम्मी को देखता था, कहाँ मेरी अम्मी, कहाँ, अब कौन फैजान की कमी। रात को यहीं सोता था, रात कहाँ खुल जाए, देखो खाली बिस्तर खाली बिस्तर यहीं लेटता था, सुबह आँख खुलेगी तो खाली बिस्तर दिखता है। बस मैं इतना चाहूँगा कि आप भी इस काम में आगे आइए, अपने अपने इलाकों में ऐसे जो लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, जो मुस्तहिक हैं, उन लोगों को ढूंढिए, उनके घर पे जाइए, उनका हाल चाल पूछिए,
جو بیمار ہیں ان لوگوں کا حال چال پوچھے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تھوڑا سا بھی، تو ہمیں سپورٹ کیجیے، ہماری ویڈیو کو آگے بھیجیے، جس سے اور تمام لوگ اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔